टू माई न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गई हूँ तैयार। अभी हो रहा है टाइम 8:15 और मेरा सब काम हो गया है। रूम भी एकदम साफ़ हो गया है, ये भी आ गए हैं और कपड़े वपड़े भी सब धो लिए, नहा भी लिए। अब मैं जा रही हूँ, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मैं टाइम से एकदम वो हो गई हूँ। जल्दी जल्दी काम हो जाता है तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो आज मेरे डॉक्टर को भी दिखाने जाना है, तो फटाफट उनका नंबर लगा देते हैं और पूजा कर लेते हैं, उनके लिए नाश्ता बना देते हैं। पूजा हो चुकी है और मैं जो हूँ नाश्ता लेने के लिए जा रही हूँ। मैं आज नाश्ता मुझे बनाने नहीं है क्योंकि आज जो है वो चने और हलवा बना है। चने मम्मी ने बनाया, हलवा दीदी ने बना दिया है। अगर आपको पता हो, आपको पता है तो जू पीपल उड़ के लिए रेडी गाइस और जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और टाइम हो गया है, 12 बज गया है, क्योंकि उससे पहले नंबर भी नहीं आता, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा मतलब 11 बजे तक तो बैठ भी नहीं पाती हैं, खाली टाइम दे रखा है, तो निकलते हैं। हॉस्पिटल तो पहुंच गए हैं हम लोग, अब चलते हैं पर्चा बनवाते हैं, फिर दिखाते हैं, नहीं रिपोर्ट्स भी लेनी है, उसके बाद चलते हैं। तो डॉक्टर को दिखा लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो भैया रास्ते में रुक कर ये खा रहे हैं पैटीज, बिल्कुल खोली हुई है, ताजी ताजी बनकर खाओ, मजा आ जाएगी आपको गरम गरम खा के। तो हम लोग आ गए घर, कपड़े वपड़े सब कर लिए चेंज और अब हो गया खाने का टाइम। तो आज जो है इन्होंने बोला, वैसे खाना सब्जी वब्जी भी बनी रखी है, लेकिन इनका मन हुआ खिचड़ी खाने का, तो ये जो है खुद से जो है आज चटनी बना रहा है, वो भी सिल से अच्छी सी। आज इन्होंने जिम्मेदारी दी है जी, मैंने नहीं दिया, आपने खुद ली है। मैंने बोला, आपने बोला कि चटनी अच्छी है, ऐसे कर रहे हैं। मैंने बस इनसे ये बोला कि अभी देख कर आती हूँ धनिया है या नहीं, पापा वैसे ले आए थे, तो फिर मैंने देखा धनिया रखा तो ये बोले कि लाओ चटनी बट दे, तो मैंने कहा बट दो भाई, अच्छी बात है, सिल की चटनी तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे ऐसा है ना, वैसे मम्मी बनाती है, मम्मी ने परसों बनाई, कल बनाई थी, मिक्सी वाले खूब मजा लगा। हाँ मम्मी बनाती है तो मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, तो इन्होंने कहा हम बनाएंगे, तो हमने कहा बना दो। और इधर बन रही है खिचड़ी और भैया का खाना रायता, तो वो लेने जा रहे हैं बूंदी। आज फिर से अपनी फेवरेट खिचड़ी खाने वाले हैं। तो आ गई है गाइस बढ़िया सी खिचड़ी और इस चटनी में स्वाद है सब लोग, और ये रायता। करते हैं लंच और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हो गई है, हम लोग थोड़ी थोड़ी देर लेट गए थे, और ये आ गई है चाय, और ये आ गए हैं मानसिंह भैया, नमकीन खा ले हमने छोटा पहले। और ये इधर हैं बासु भैया, इधर हैं मूंग दाल हल्दीराम, ये इधर बैठे हुए हैं। और इसके बाद जाएंगे गाइस हम लोग मेला देखने के लिए, मेला अब तो अब लग गया होगा अच्छे से, तो फिर हम लोग तैयार होके मेला चलेंगे। तो बासु भैया इनकी चोटी बना दी है, बताओ देख रहे हो भैया भैया भैया, अरे अरे भाई सीधा कैमरा, अरे भैया हो गए रेडी गाइस और जा रहे हैं मेला घूमने के लिए। ये हैं इधर, और बाइक से जा रहे हैं, यस, क्योंकि मेले में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो दो बाइक हैं, एक इधर और एक इधर, चलते। काश आज मेले में वही पुरानी वाली रौनक हो, सब कुछ हो, तो देखकर एकदम मजा आ जाए, सच में वो वाली फील लेनी है। जा तो बहुत दिन से रहे पर वो वाली अभी तक नहीं मिली। ये देखिए गाइस यहीं से लोग जो है पैदल चलना स्टार्ट, मतलब दिख रहे हैं ना, जा रहे हैं काफी लोग, जा रहे हैं काफी। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं, अभी उतना नहीं लग रहा है भीड़ वगैरह, पर हाँ अच्छा खासा मेला लग चुका है। क्या अभी भीड़ उतनी नहीं है? इतनी वैसे भीड़ हमें सही लगती है, हाँ आराम से घूम तब भी लोग, लेकिन पता नहीं जो मेले वाला वो होता है ना, वो तभी आता है जब बहुत भीड़ होती है। क्या और सही है, गए देखने के लिए। ये कह रहे मानसिंह भैया कह रहे कुर्सी ले लो, हम लोग को बैठने में दिक्कत हो जाती है। इतना बड़ा हुआ है ना, 70 किलो, 70 किलो, 70 किलो, 3 बार बोल मैजिक टॉयज, मैजिक टॉयज कहाँ है? हाँ ये पहले हम लोग बहुत लेते थे, भैया और मैं लेते थे, भैया बड़े वाले लेते थे। हाँ अभी
अभी इन्होंने देखा है कि यहाँ पे दूसरा भी बड़ा वाला झूला लगा हुआ है। हाँ, ये जैसे भी है दूसरा वाला बड़ा झूला है, एक वो तो लगा ही हुआ है। अरे क्या लग रहा है, सुंदर कितना लग रहा है ना। हाँ, अच्छा लग रहा है। सोचिए टावर है पर ये झूला है बड़ा वाला। ये मजेदारे बच्चों के ही मजे हैं असली। ऊंट पे बैठो आराम से घूमो मेला। तो गाइस इन लोगों का मन हो रहा है ऊंट पे बैठने के लिए, मैं इन लोगों से कह रही हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ। ऊंट पे कदा कैसे बैठेगा, किसके लिए बोला आपने? मजाक और ये गाइस सीरियसली ऐसे चलती रहता है। तो मैं इन लोगों से कह रही हूँ बैठ। पता मैं छोटी थी तो ये वाला लालटेन लेते थे। कौन सा लालटेन? टांगे वो रखता है, मेरे यहाँ मेला लगता था तो मैंने इतना ही देखा। हाँ वो वाला। यहाँ पर ले लिए गर्मा गर्म मूंगफली। लगता था मेला तो मैं हमेशा जो है लालटेन लेती थी, और वो एक वो फूल खिला हुआ वाला नहीं होता है जो ऐसे ऐसे करके निकले हुए होते लाइट लगती है, वो लेती। बचपन की आदत ताजा हो जाती है। देखो ये देखो कितना सही है। हाँ यार अच्छा लग रहा है ये। कह रहे हैं ये ले लो, इसका क्या करोगे आप? बढ़िया सामान है भैया के पास। तो जिन्होंने भाभी की याद करने पे नहीं आए झूले पे पकड़े गए। चले गए, ऐसा था कॉल के लिए बोला था। हाँ हाँ समझ रहा समझ रहा। चलो भाई घूमे इस बहाने झूला बड़ा वाला। हाँ अब आप झूले की बात मत करो, याद आ जाती है कुछ करके आओ। लोगों ने ये दो कप लिए हैं और दो वो बाउल लिए हैं, किस चीज के लिए? सूप पीने के लिए है ना। ठंड आ रही है ना, ठंड में मजा आएगा पकड़ के और पियो। कैसे सही है? तड़पा जा रहा व्यक्ति देखो, ये लिया गोलगप्पा, तड़प ही ऐसी है। अरे 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 ओ भाई लेना चाह रहे हैं भैया, मुझे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं खाली में यार भैया। अरे रिएक्शन लेना चाह रहा क्या? तेज़ नमक ये मिर्ची लग रहा है, लगता है आपके टूथपेस्ट में नमक नहीं था इसीलिए इसमें ज्यादा बढ़ा दिया है। थोड़ा नमक ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर में नहीं खाना चाहिए। और भैया के आलू ना खाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाल वाले आलू तो बनते ही है। आ गए भैया फिर से हम। आज खा रही हूँ आलू और मटर मिक्स, और भैया ने इसमें कलर डालना बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। गरम आलू खाने के बाद भैया ने लिया है बंटा, तो मैं भी पी रही हूँ। और ये अभी अपने मटर के शिफ्ट पे है। ये इनका फेवरेट काम है। बोले बोलो में आए तो दो चीज तो कंफर्म है, एक आलू और दूसरे पापड़। तो पापड़ खाने के लिए हम लोग यहाँ बैठ गए क्योंकि चलते चलते थक गए। ले भी जाते हैं खरीद। हाँ, के अच्छा फिर तो गरम गरम ही लेकिन अच्छे लगते हैं। नहीं गरम नहीं, जैसे वो रखे। अच्छा अच्छा वैसे वाले। हाँ तो मानसिंह भैया वहाँ गए लेने। हाँ कच्चे ले जाते हो घर पे, वो फ्राई कर लेते होंगे। गरम गरम पापड़ आ चुका है। अच्छा तो गाइस काफी तो सब लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, मतलब बाहर नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं मेले से। अब आएंगे हम लोग तो आते ही रहेंगे वैसे बीच बीच में, कल भी होगा तो कल भी आएंगे, फिर दीदी आएंगे तो दीदी के साथ। फिर आ गए हैं गाइस, कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिए हैं और बहुत थक गए क्योंकि सुबह वहाँ गए फिर मेला गए चलते चलते चलते, पर बहुत मज़ा आया। और आने वाले समय में और ज़्यादा मज़ा आएगा मेले में क्योंकि खूब ज़्यादा जो है रौनक हो जाएगी।
सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज गाइज अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से हमारे 3K जो है वो कंप्लीट हो जाए। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।